बहुत अच्छा प्रश्न है, तुमने अच्छा प्रश्न किया कि जनता को ये पता चले कि भगवान ऋषभ ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन इस समाज को दिया है, क्योंकि भगवान ऋषभ का समय उस समय है, वो समय है मानव जाति का प्रारंभिक समय है। तो वो प्रारंभ का समय था जिस समय भगवान ऋषभ ने नई सभ्यता नई संस्कृति का सृजन किया था, क्योंकि उससे पहले भगवान ऋषभ से पहले न शिक्षा थी न दीक्षा थी, मानव जाति शिक्षा और दीक्षा से शून्य था। तो भगवान ऋषभ ने मानव को शिक्षा से शिक्षित किया और दीक्षा से दीक्षित किया। उस समय की व्यवस्थाएं ऐसी थी कि हर व्यक्ति जिसको भी जो इच्छा होती थी उनकी इच्छाएं पूरी करने वाले कल्प वृक्ष होते थे, वो कल्प वृक्ष के सामने खड़े होते और अपनी इच्छा मांग इच्छा रखते और वृक्ष उनकी इच्छाएं पूरी कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों की ग्रीड बढ़ने लगी, इच्छाएं बढ़ने लगी और तो कल्प वृक्ष ने देना भी कम कर दिया। और जब कल्प वृक्ष ने देना कम कर दिया तो लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और जब ये समस्याएं ऋषभ के सामने आई तो उन्होंने एक राजा की व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो राजा और प्रजा की जो व्यवस्था का प्रारंभ सूत्र है वो भगवान ऋषभ के समय का है। भगवान ऋषभ इस आदि युग के इस युग के पहले राजा बने और इसके बाद उन्होंने पहली व्यवस्था की सिक्योरिटी फोर्स की कि जिससे प्रजा में एक व्यवस्था हो, एक अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, रूल्स का अच्छी तरह से फॉलो कैसे किया जा सके। तो उन्होंने एक डिसिप्लिन के लिए सिक्योरिटी फोर्स का प्रारंभ किया। और इसके बाद ऑल्सो ही इन्वेंटेड नंबर्स लैंग्वेजेस एंड मेनी अल्फाबेट्स अलॉन्ग विद टूल्स फॉर राइटिंग। ही एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ पॉटरी आर्किटेक्चर म्यूजिक एंड डांस दैट एनरिच्ड ह्यूमन सोसाइटी। जब समाज धर्म राज धर्म नीति आदि अनेक व्यवस्थाएं उन्होंने दी, उसके बाद उन्होंने आत्मधर्म का भी सूत्रपात किया। उन्होंने देखा मेरी भोली जनता, आत्मधर्म से पहले उन्होंने देखा कि जनता को कुछ नहीं आता है, उन्हें जीना कैसे चाहिए ये जीने की कला सिखाई। उन्होंने खेती करना सिखाया कि कैसे खेती की जाती है, कैसे खाना पकाया जाता है और शादी प्रथा आदि सब प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं करने के बाद भगवान ऋषभ ने आत्मधर्म का सूत्रपात किया। उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, दीक्षित हुए, स्वयं पहले दीक्षित हुए, दीक्षा ली, उन्होंने अपना कल्याण पहले किया और उसके बाद जनता का कल्याण करने के लिए आत्म संदेश लोगों तक पहुंचाया और संयम का संदेश पहुंचाया, अहिंसा का संदेश पहुंचाया और किस प्रकार संयम पूर्वक जीवन जीकर शांति का जीवन जिया जा सकता है ये संदेश मानव जाति को दिया। और उन्होंने अपना भी कल्याण किया, लंबे काल तक अपनी आत्म साधना कर भगवान ऋषभ निर्वाण को प्राप्त हुए और समाज को आज तक हम जो देख रहे हैं वो सब कुछ अवदान का यदि हम बिगिनिंग पॉइंट यदि कहें तो वो भगवान ऋषभ ने दिया है। ओम अरहम।